आज कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। नया लेसन दो तरंगों का व्यतिकरण। तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या है, किसे कहते हैं और उसके लिए सूत्र का निगमन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट यह है व्यतिकरण, ध्यान देना। क्लास 12 दो तरंगों का व्यतिकरण। ध्यान देंगे दो तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। पहले तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद इस दो तरंगों के व्यतिकरण की घटना को हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे और ये कितने प्रकार का होता है वो भी बताया जाएगा। तो ध्यान देना, जब दो तरंगे किसी माध्यम में एक साथ बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए चलती हैं, लगभग समान आयाम की और समान आवृत्ति की, एक ही आवृत्ति की लगभग समान आयाम, आयाम में अंतर बहुत कम हो, ज्यादा न हो, तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। यही घटना तरंगों का व्यतिकरण होता है। जब एक ही आवृत्ति की, समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ बिना किसी दूसरे को प्रभावित करते हुए किसी माध्यम में चलती हैं, तो माध्यम में उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। यह घटना तरंगों का व्यतिकरण कहलाता है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न, मतलब योग से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जहां परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम, वहां व्यतिकरण होगा संपोषी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां दोनों तरंगों की तीव्रताओं की योग से कम आ गया परिणामी तरंग की तीव्रता, वहां विनाशी व्यतिकरण होगा। ये घटना कब कब आएगी, इन बातों का अध्ययन करेंगे। दो लगातार अधिकतम तीव्रता नहीं आएंगी, ना दो लगातार न्यूनतम तीव्रता आएंगी, बल्कि बीच बीच में दो न्यूनतम के बीच में एक अधिकतम, या दो अधिकतम तीव्रता के बीच बीच में न्यूनतम तीव्रताएं अवश्य आएंगी। मतलब दो लगातार न तो संपोषी व्यतिकरण हो सकते हैं, दो लगातार न तो न्यूनतम व्यतिकरण हो सकते हैं, ध्यान दो। अब इसमें देखो, अभी हम कह रहे थे जब दो तरंगे लगभग समान आयाम की व एक ही आवृत्ति के भिन्न भिन्न तरंगे चलती हैं किसी माध्यम में, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उस माध्यम में उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता उन दोनों तरंगों की तीव्रताओं की योग से भिन्न होता है। ये घटना तरंगों का व्यतिकरण कहलाता है। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो अलग अलग तरंगे संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण से उस माध्यम में उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। ये घटना तरंगों का व्यतिकरण कहलाता है। अब इसके बाद इसमें जो सूत्र का हमें निगमन करना है, परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक। परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक, परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक सूत्र का निगमन है, ध्यान देना। देखो, अभी बता रहे थे समान आवृत्ति की दो तरंगें बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए
किसी माध्यम में चल रही हो तो अध्यारोपण से उस माध्यम में उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। अर्थात कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम अर्थात संपोषी व्यतिकरण और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम अर्थात अविनाशी व्यतिकरण होता है। ध्यान दो, तो जो पहली तरंग होगी उसका जो समीकरण होगा ध्यान देंगे y1 इक्वल टू होगा a1 साइन ओमेगा t, पहली तरंग का समीकरण यह हुआ। इसी प्रकार दूसरी तरंग का समीकरण y2 इक्वल टू होगा a2 साइन ओमेगा t प्लस 5 ओमेगा t प्लस 5। ध्यान देना, ये देख रहे हैं कि y1 और y2 दो तरंगे हैं किसी माध्यम में चल रही हैं जिनके आयाम लगभग समान है, मतलब बहुत थोड़ा अंतर, ज्यादा अंतर ना हो। यदि ज्यादा अंतर होगा तो अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ नहीं लगा पाएंगे। देखो अध्यारोपण किस सिद्धांत से ध्यान देंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी जो तीव्रता वाई होगी वह y1 प्लस y2 होगा, जैसा कि हम बताए थे किसी माध्यम में दो तरंगें यदि एक साथ चल रही हैं तो उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों का सदिश योग परिणामी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन के बराबर होता है, अर्थात y=y1+y2। इसमें मान रखेंगे तो y=y1 के जगह पर मान रखा जाएगा, तो y1 जान रहे हैं कि a1 साइन ओमेगा टी और y2 है a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मान तो रख लेंगे y1 का, y2 का मान रखेंगे। तो देखो y1 के स्थान पर a1 साइन ओमेगा टी और प्लस y2 के जगह पर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें हम साइन जो a प्लस बी का सूत्र है रखेंगे, साइन ए प्लस बी का सूत्र ध्यान दो, y=a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, साइन ए प्लस बी का सूत्र जानते हैं, साइन ए इंटू कास बी और प्लस कास इंटू साइन बी होता है, तो साइन ए का मतलब साइन ओमेगा टी और इंटू कास फाई और प्लस साइन इंटू कास बी प्लस कास ए का मतलब ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब a2 का मल्टीप्लाई अंदर तो कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, y=2 हुआ a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई और प्लस a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब इसमें देखो यहाँ साइन ओमेगा टी और प्लस साइन ओमेगा टी, तो यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं, दोनों में कॉमन है, तो साइन ओमेगा टी जब कॉमन लेंगे तो y=2 हुआ a1 प्लस a2 कास फाइव और इंटू ये हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी प्लस हुआ a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब इसमें एक नया नियतांक को एक न्यू कांस्टेंट मानेंगे, ध्यान दो, माना कि a1 प्लस a2 कास फाई इक्वल टू ए कास थीटा, समीकरण नंबर 1। और इसमें जो होगा a2 साइन फाई को मान लेंगे तथा मानेंगे a2 साइन फाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हुआ समीकरण नंबर 2, जहां ए व थीटा नए नियतांक हैं, ध्यान देना।
जहां ए व थीटा नए नियतांक है, नए नियतांक हैं। अब समीकरण नंबर एक और दो का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण नंबर एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण वन व टू का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो अब इसका तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कास फाइव और प्लस यहां हुआ ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू, इसका भी वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ ए टू स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव और यहाँ ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ ए वन का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कास फाइव और प्लस ए टू स्क्वायर और इंटू कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो सर्वसमिका से साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो सर्वसमिका से वन हो जाएगा, तो वन होगा तो यहाँ होगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कास फाइव और इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसमें चूंकि जानते हैं कि जो तीव्रता होती है तरंग की आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, चूंकि आई वन इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर तथा आई टू इक्वल टू होगा के ए टू का स्क्वायर व आई इक्वल टू हुआ के ए का स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में यदि के से हम गुणा कर दे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो देखो के से जब गुणा करें कॉन्स्टेंट है के कैंसिल होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई वन लिख सकते हैं प्लस यहाँ आई टू लिख सकते हैं प्लस, देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं ए वन है तो ए वन अंडर रूट आई वन होगा, मतलब यहाँ अंडर रूट आई वन लिखा जा सकता है टू अंडर रूट आई वन आई टू कास फाइव बराबर यह हुआ आई, क्योंकि के ए स्क्वायर मतलब होता है आई, अर्थात हम या इसको लिखा जा सकता है परिणामी तीव्रता आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट प्लस टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू ये कास फाइव हुआ, यही परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है, परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि मान और रख दिया जाए तब क्या होगा, थोड़ा देख लो। समीकरण नंबर एक व दो से यदि मान रखेंगे ए वन प्लस ए टू कास पाई का यहाँ, तो वाई बराबर जानते हैं क्या होगा, इसमें मान रखने पर ए वन प्लस ए टू कास पाई के जगह पर लिखा जाएगा ए कास थीटा और इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। समीकरण एक व दो से मान रखने पर, समीकरण नंबर एक व दो से मान रखने पर बताया जा रहा है, मान रखने पर ए कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ए टू जो देख रहे हैं ए टू साइन फाई है ए टू साइन फाई, तो वहां लिखेंगे ए कॉस ए साइन थीटा इंटू ये हुआ कास ओमेगा टी, तो इसमें कॉमन देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है तो वाई बराबर होगा ये कॉमन ले लिया जाए और इसमें साइन ए प्लस बी का सूत्र है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई का ये फार्मूला है, मतलब परिणामी तरंग भी उन दोनों तरंगों जैसा ही है,
देख रहे हैं परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें देखो ये साइन ए इंटू कास भी या प्लस हो जाएगा वो कास ए इंटू साइन भी, तो वहाँ तो फार्मूला बिल्कुल वही है कि जैसे कास थीटा तो उसमें साइन थीटा है, तो हम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं, फाइन है ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। ये परिणामी तरंग का समीकरण बिल्कुल उन दोनों तरंगों जैसा है जो अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से देखे परिणामी तरंग की तीव्रता, अब परिणामी तरंग की तीव्रता जहां अधिकतम हुई वहां तो बनेगा संपूर्षी व्यतिकरण, और तरंग की तीव्रता जहां न्यूनतम होगी वहां बनेगा विनाशी व्यतिकरण। तो कब संपूर्षी व्यतिकरण, तो जो देख रहे हो काला काला फाई देख रहे हैं, फाई का कुछ मान रखेंगे तो आई मैक्सिमम होगा, जैसे दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग है लेकिन प्लस इतना देख रहा है मतलब योग से भिन्न होती है। जब किसी माध्यम में दो तरंग एक साथ चलती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग की तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, मतलब एक से या तो अधिक होगी नहीं तो एक से क्या होगा कम होगा। यही घटना क्या है, यही घटना है व्यतिकरण। जब किसी माध्यम में दो तरंग एक साथ चलती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उस माध्यम में उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है, अर्थात कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। अब संपोषी व्यतिकरण क्या है और विनाशी व्यतिकरण क्या है, कैसे आई मैक्सिमम होगा और कैसे आई मिनिमम होगा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में पूछता है। तो देखो अब संपोषी व्यतिकरण और उसके बाद देखेंगे विनाशी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परिणामी तरंग की तीव्रता ध्यान देना, परिणामी तरंग की तीव्रता के अधिकतम मान के लिए, परिणामी तरंग की तीव्रता के अधिकतम मान के लिए के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए कास फाई का मान कितना होना चाहिए, कास फाई इक्वल टू प्लस माइनस वन होना चाहिए। प्लस माइनस वन होना चाहिए। अब अभी हम तुम लोगों को बता रहे थे कि आई इक्वल टू हुआ है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट, मतलब टू अंडर रूट आई वन आई टू कास फाई, ये बताया गया है। तो कास फाई का मान कितना यदि रखा जाए कि मान आ जाए, फाई बराबर कितना रखा जाए, तो फाई का मान यदि हम जीरो रखेंगे तो जीरो पर तो आ जाएगा वो 180 अंश रखेंगे, फाई बराबर जीरो 180 अंश। तो अब इस तरह से हम फाई के अधिकतम मान को जब देखेंगे तो देखो फाई बराबर क्या रखें, यहाँ फाई इक्वल टू टू एम फाई, टू एम
पाई रखा जाए, जहाँ एम बराबर एक से शुरू किया जाए, नहीं जीरो से शुरू किया जाए, एक रखेंगे यहाँ प्लस वन, माइनस वन मत रखना है यहाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस वन तो न्यूनतम मान होगा, प्लस वन होना चाहिए। जहाँ एम इक्वल टू, ध्यान दो, जहाँ एम इक्वल टू हुआ जीरो एक दो तीन चार डैश डैश, तो फाइव जब बराबर रखोगे देखो, तो एम बराबर वन रखोगे तो फाइव बराबर मान होगा कास फाइव का, तो कास फाइव इक्वल टू कितना लिखेंगे, फाइव इक्वल टू ध्यान देना जीरो पर तो जीरो हुआ, और जब एक रखोगे तो टू पाई हुआ, क्यों हुआ, टू पाई होगा, यदि पाई रख देंगे तो माइनस वन आ जाएगा, अब माइनस वन अधिकतम मान नहीं होता, न्यूनतम मान होता है। फिर उसके बाद क्या यहाँ करोगे, जब दो रखोगे तो फोर पाई होगा, और उसके बाद फिर तीन रखोगे तो सिक्स पाई हो जाएगा, और उसके बाद एट पाई, मतलब पाई का केवल समगुणक। यदि व्यतिकारी तरंगों के बीच कालांतर पाई का केवल विषम गुणक होगा तो उन उन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो जब अधिकतम होगी तो वहाँ कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा, और जहाँ न्यूनतम होगा वहाँ क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। जैसा कि देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए ध्यान देना, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण का मतलब परिणामी तरंग की तीव्रता के न्यूनतम मान के लिए, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए कास फाई बराबर माइनस वन होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। तो माइनस वन कब होगा, अतः फाई बराबर क्या यहाँ लिखें, फाई बराबर क्या लिखा जाए कि माइनस वन आ जाए, तो जीरो पर भी होगा, कालांतर शून्य होगा, तो व्यतिकरण विनाशी नहीं संपोषी हो जाएगा। फाई इक्वल टू, तो यहाँ जीरो हम नहीं लिख सकते, फाई बराबर क्या लिखेंगे, अब ये ध्यान देना है, तो यहाँ जीरो तो पाई बाई टू होना चाहिए, तो पाई बाई टू कैसे आएगा, तो एम के जगह पर एक एम पाई बाई टू रखें, और जहाँ एम का मान तो एक दो तीन नहीं रख सकते, कालांतर है ध्यान देंगे, फाई का मान कितना रखा जाए, तो जीरो तो होगा नहीं, वो होगा पाई, होगा पाई का मान हम कैसे लाएं, तो एम पाई सीधे लिख दिया जाए, एक दो तीन हो जाएगा, फिर दो रखेंगे तब नहीं होगा, एम बराबर ऐसे नहीं रखेंगे, एक तीन पाँच रखना पड़ेगा, चलो तो एम पाई हम लिख देते हैं, हाँ एम पाई, तो एम पाई बाई टू लिखेंगे तब ना होगा, एम बराबर इतना है, एम बराबर एक तीन पाँच रखना पड़ेगा, तब एम बराबर एक तीन पाँच रखेंगे तो होगा, लेकिन इस तरह से देखा नहीं जाता है। टू एम माइनस वन इंटू फाइव बाई टू करें, टू एम माइनस वन जीरो एक, फाइव बाई टू 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पर जीरो होगा कालांतर, और कालांतर जब जीरो करेंगे तो तब ये हो जाएगा, फाइव बाई टू कास 90 डिग्री, तो आई का मान जीरो होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी जीरो, तो दोनों की योग के बराबर हो जाएगा, लेकिन वो योग से कम कह रहा है। एम बराबर एक रखेंगे तो फाई बाई टू पर शून्य, अब जब फाई जीरो हुआ तो फिर वो मैक्सिमम मान हो जाएगा, केवल पाई रहने दिया जाए, फाई बाई टू नहीं, टू एम माइनस वन इंटू पाई, तो देखो यहाँ एक रखोगे तो दो में से एक तो पाई हो जाएगा,
अरे दो रखोगे, दो दो ना चार में से घटाओगे तो तीन, तो m बराबर अब क्या करोगे, m बराबर जहाँ m इक्वल टू, ध्यान देना जहाँ m इक्वल टू होगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते हम चले जाएंगे। 1, 2, 3 वन रखेंगे तो वो पहला जो देख रहे हैं परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी वहाँ विनाशी व्यतिकरण m बराबर 1 पर भी, 2 पर भी और 3 पर भी। जैसे यहाँ एक लिखेंगे, दो में से एक घटाएंगे तो पाई, दो दुना चार में से घटाएंगे तीन, तीन दुना छः में से एक, तो ये पाई का केवल क्या होगा, विषम गुणक। पाई के विषम गुणक कलांतरों पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी और उन उन बिंदुओं पर हमेशा विनाशी व्यतिकरण होगा। तो देख लिए पाई बाई जो देख रहे हैं 2m-1 इंटू पाई कालांतर पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी और उन उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होगा। और पाई बराबर देख रहे हैं पाई इक्वल टू 2m पाई, जहाँ m बराबर 0, 1, 2, 3 लिखेंगे तो उन उन बिंदुओं पर हमेशा तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी और अधिकतम होगी मतलब व्यतिकरण कौन सा होगा, तो समकोषी व्यतिकरण होगा। अब देखो अतः फाई बराबर लिखा जा सकता है, अतः फाई इक्वल टू, फाई इक्वल टू बताओ यहाँ क्या होगा, ये पाई लिखें m बराबर 1 पर, हाँ 2 पर रखेंगे, 2 दुना 4 तो 3 पाई 5 पाई। तो देख रहे हैं कि दो अधिकतम तीव्रताओं के बीच में, जैसे देखो 0 और 2 पाई के बीच में पाई आएगा, फिर 2 पाई और 4 पाई के बीच में आएगा, 4 2 6 का आधा करेंगे तो 3 पाई, तो 2 पाई और 4 पाई के ठीक मध्य आएगा 3 पाई। फिर यहाँ देखो ये 4 और 6 तो 5 पाई आ जाएगा। कहने का मतलब दो लगातार अधिकतम तीव्रताओं के बीच बीच में न्यूनतम तीव्रताएं अवश्य आती हैं, तो दो लगातार समपोषी व्यतिकरण के बीच बीच में विनाशी व्यतिकरण अवश्य आएगा, या दूसरे शब्दों में दो लगातार विनाशी व्यतिकरण के बीच बीच में समपोषी व्यतिकरण अवश्य आएंगे। निष्कर्ष निकला, तो ये रहा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण। अब कल रिलेशन लगभग समापन की ओर होगा, इसको आप कर।